अगली खबर में बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां सिवनी में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन ही एक बाघ की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। पेश टाइगर रिजर्व से लगे बफर जोन के कोर एरिया में बीच नदी में शनिवार सुबह एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल घटना आज सुबह की बताई जा रही है। बादलपार और कोना पिंडरई के बीच पेश नदी में कुछ मछुआरों ने आज बाघ का शव नदी में उतराते हुए देखा। इसके साथ ही बाघ के पंजे भी कटे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन महकमा मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी है। नदी में जिस बाघ का शव मिला है वह 2 से 3 वर्ष का बताया जा रहा है। यह नर बाघ की मौत किस कारण से हुई, इसको लेकर वन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। जिन परिस्थितियों में बाघ की मौत हुई है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत सामान्य नहीं है, क्योंकि बाघ के शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बाघ की मौत करंट लगने से हो सकती है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में कुछ मछुआरे लगातार नदी में करंट फैलाकर मछली पकड़ते हैं, जबकि कुछ किसानों ने भी अपने खेतों में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए करंट लगा रखा है, जिसको लेकर वन विभाग हर एंगल में इसकी जांच कर रहा है। गौरतलब है कि पेंच नेशनल पार्क में आज से ही पर्यटकों के लिए गेट खोले जाने हैं, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में पहले ही दिन पेंच नेशनल पार्क में बाघ की संदेहास्पद मौत ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है।